हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें कि डॉक्टर HbA1c यानी 3 महीने का जो शुगर का टेस्ट होता है वो करवाने के लिए क्यों बोलते हैं और वो टेस्ट किस लिए होता है। तो पहले बता देंगे कि जो शुगर का टेस्ट होता है टाइप 2 डायबिटीज होती है उसके लिए होता है। उसको 3 महीने में आपकी पीछे 3 महीने का जो रिकॉर्ड है वो क्या रहा है उसको चेक करने के लिए होता है, उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ हमें शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो HbA1c यानी हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए किया जाता है कि शुगर का लेवल क्या है, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। उसके अंदर आपकी डायबिटीज कंफर्म होती है कि है या नहीं है। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू वो है 6.4 से अगर आपका ऊपर आता है 6.5, 6.7 या 7 आता है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है, ठीक है। अगर इससे नीचे आता है 6.4 के नीचे आता है तो इसका मतलब आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो लाल रंग की खून के अंदर कोशिका होती है, रेड ब्लड सेल्स उनमें पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। रेड ब्लड सेल की वजह से ये हमारे जो खून का रंग है वो लाल होता है। यह हमारे शरीर के हिस्से के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है, लेकिन जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है तो शुगर के लेवल में हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। जब हमारा शुगर का लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के